हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम बैक विद अनदर व्लॉग। और जब तक मैं अपने लिए यहाँ पर नाश्ता तैयार कर रही हूँ, जल्दी से जाके ना आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, उसके बाद हम शुरू करेंगे आज का व्लॉग। जी हाँ, आप कर दिए चैनल को सब्सक्राइब। तो यहाँ पर जो है मेरा नाश्ता बिल्कुल रेडी है, और नाश्ते में मेरे पास थे बिस्किट और केक। और इत्तेफाक देखिए, जैसे ही मैंने नाश्ता बनाया, गैस जो है वो चली गई थी और हमारे सारे प्लान जो है वो चौपट हो गए थे, क्योंकि आज हमारी सिस्टर की थी बर्थडे और मुझे बनाना था उनके लिए ब्राउनी केक, पर वो तो हम बना नहीं सके। तो हमने कपकेक से काम चलाया और दोपहर को भी हमने कुछ नहीं खाया था, तो हमने मार्केट से मंगा लिए थे रोल समोसे, और घर में ब्रेड थी तो मैंने सैंडविचेस बना लिए थे। और अक्सर ऐसा होता है, हमने ये सब चीज़ें मंगाई और ये सैंडविचेस बनाए तो गैस आ गई थी, तो हमने कहा चलो चाय भी बना लेते हैं, टी पार्टी हो जाएगी। और यहाँ पर जो है मैंने अपनी प्लेटर जो है वो तैयार कर ली है, और यहाँ पर हम ना टी पार्टी करते हुए डिसाइड कर रहे थे कि हमें अब रात के डिनर के लिए क्या करना है, क्योंकि बर्थडे है तो हमें कुछ स्पेशल बनाना था। और ये मैं आपको अलग ब्लॉग में बताऊंगी कि हमने अपने सिस्टर को क्या गिफ्ट दिया। उससे पहले यहाँ पर मैंने शाम में ही चढ़ा दी थी यखनी जब गैस आई थी, तो यखनी जो है रात तक बिल्कुल रेडी थी। और यहाँ पर अब जो है मैं रेडी करने वाली हूँ पुलाव को, जिसके लिए मैंने तमाम चीज़ें तैयार करके रख दी हैं। मैंने यखनी को अलग कर लिया था, उसमें से मीट को अलग कर दिया था, चावल को मैंने भिगो के रख दिया था, और यहाँ पर मैंने प्याज वगैरह कट कर ली थी। अब जस्ट मुझे जो ऑयल के अंदर ना प्याज को गोल्डन ब्राउन करना था, और जब थोड़ी बहुत ये गोल्डन ब्राउन होना शुरू होती है ना, तभी मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ खड़ा गर्म मसाला, जिसमें तेज़पत्ता, लौंग, ज़ीरा, इलायची और बादियान के फूल शामिल हैं। ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें सिर्फ खुशबू के लिए ऐड की हैं, क्योंकि यखनी में अलहदा से हम ये चीज़ें डाल चुके थे। ये बिल्कुल ना दिल्ली स्टाइल में पुलाव बन रहा है। अच्छा, यहाँ पर जो है मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया लहसुन अदरक का पेस्ट, और इसको भी हमने फ्राई करना है। इसके बाद हम इसके अंदर ऐड कर देंगे मीट जो कि हमने यखनी से अलहदा किया था, और इसकी भी हमने थोड़ी ऑयल में भुनाई करनी है। इसके अंदर किसी किस्म का स्पाइस नहीं जाएगा, क्योंकि आप दिल्ली वालों के यहाँ अगर पुलाव खाएंगे ना, आपको उसमें एक सॉल्टी फ्लेवर आएगा, तो ये वो ही वाला पुलाव है। इसकी यखनी भी है एक अलहदा तरीके से चढ़ाई जाती है, उसकी भी डिफरेंट रेसिपीज होती हैं। और इसके बाद जो है ना मैंने इसके अंदर दही शामिल कर दिया, और दही के साथ भी हमने मीट को थोड़ा भुना, और जब दही का पानी खुश्क हो गया तो हमने इसके अंदर चावल ऐड कर दिए हैं। इसका जो एक्स्ट्रा पानी था उसको हमने निकाल दिया था, क्योंकि हमें चावल की भी भुनाई करनी है। इसके बाद जो है हमने इसके अंदर सॉल्ट ऐड कर देना, और इसके साथ हमने इसमें ऐड कर देना है जो स्टॉक था यखनी, यानी हमने जो यखनी अलहदा की हुई थी, अब हमने इसमें शामिल कर देनी है यखनी। और आपको यखनी जो है ना इतना कम रखनी है कि चावल पूरे इसके अंदर ना पक सके। वो क्यों, वो आप आगे अगर पूरी वीडियो देखिएगा फिर आपको पता चलेगा। अब इसके अंदर सॉल्ट हमने चेक किया, थोड़ा कम था, मैंने और डाल दिया था। और यहाँ पर मैंने एक पाव दही और ले लिया है, और इसके अंदर मैंने शामिल कर दिया जर्दे का कलर और फूड कलर, आपके पास जो अवेलेबल है वो आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे चावल जो है वो ऑलमोस्ट डन है, क्योंकि इसमें हमने यखनी कम रखी थी तो इसमें थोड़ी सी कसर है। अब आप देखिए मैंने कसर क्यों रखी थी, मैंने वो इसलिए रखी थी कि अब जो है हमने फूड कलर मिलाने के बाद दही भी इसके अंदर इसके ऊपर जो है ना वो एक लेयर बिछानी है, तो दही का जो पानी होगा ना, अब बाकी जो इसमें कसर थी चावलों में वो उस पानी में पूरी डन हो जाएगी, यानी चावल इसमें पूरे कुक हो जाएंगे। मैंने पहले थोड़ी सी अदरक स्प्रिंकल करके अच्छे से मिक्स कर दी, और उसके बाद मैंने ये फूड कलर वाले दही का जो है उसके ऊपर पूरी लेयर बिछा देनी है, ताकि तमाम जो चावलों में बिल्कुल बराबर जो है वो मॉइस्चर आए। और इसके बाद मैंने ऊपर से और जो अदरक बचाई हुई थी जुलियन कट की हुई वो स्प्रिंकल कर देनी है। उसके बाद मैंने 30 से 35 मिनट के लिए इसको दम दिया था, और देखें यहाँ पर जो है मज़ेदार पुलाव रेडी है। और इसके साथ मम्मी ने जो है वो बना के रखा हुआ था कीमा, और फ्रिज में रखे हुए थे कबाब, तो हमने वो कर लिए थे फ्राई। और यहाँ पर हमने लहसुन की ताज़ी चटनी बनाई थी, और बर्थडे हो और मीठा ना हो, केक तो हम बना नहीं सके थे, तो हमने कहा कुछ डिफरेंट कर लेते हैं। फ्रिज में रखी हुई थी आइसक्रीम, तो मैंने जल्दी से जो है ये सेवइयाँ बॉईल कर ली थी, और उसके साथ थोड़ी देर पहले मैंने इसके लिए जेली बना के जो है वो फ्रिज में सेट होने रख दी थी। तुख्मे बालंगा को मैंने साफ़ करके भिगो दिया था। अब मैं जल्दी जल्दी यहाँ पर बना रही थी फालूदा, क्योंकि
11 बजने वाले थे और गैस चली जानी थी, और फालूदे के बाद हमने चाय भी पीनी थी क्योंकि चाय ना पिए तो हमारा दिन ख़त्म नहीं हो सकता। और यहाँ पर जो है सबसे पहले मैंने ग्लासेस में जो है सिवैयाँ जो बॉईल की थी उसकी एक एक लेयर लगाई है, फिर उसके बाद मैं इसके ऊपर लगा रही हूँ स्ट्रॉबेरी जेली की लेयर, और इसके अंदर मैंने किसी किस्म की कोई बर्फ़ वगैरह ऐड नहीं करी, वो मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद। तो यहाँ पर जो है मैंने सेकंड लेयर जो है वो जेली की लगाई, उसके ऊपर मैं अब शामिल करने वाली हूँ तुफ़ में बलंगा, और इसके बाद जो है इसके अंदर मुझे ऐड करनी है आइसक्रीम। और इत्तेफाक से मेरे पास आइसक्रीम भी स्ट्रॉबेरी फ्लेवर की ही थी तो मैंने वो ऐड कर दी। आप लोगों के पास भी अगर आइसक्रीम रखी हो ना, आप इस तरह से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सिंपल आइसक्रीम खाने से ज़्यादा इसमें टेस्ट आता है और बहुत ही मज़े का लगता है। आप घर बैठे अच्छा खासा फालूदा जो है ना वो इन्जॉय कर सकते हैं। और यहाँ पर जो है देखें, मेरे पास एक और फ्लेवर था, मुझे ग्लासेस खाली लग रहे थे तो मैंने इसके ऊपर ये कुल्फ़ा भी मेरे पास रखा हुआ था तो मैंने वो कुल्फ़ा भी इसके अंदर ऐड कर दिया। बहुत ही ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन लग रहा था कुल्फ़ा और स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम का, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसके बाद भी मैंने इसके ऊपर थोड़ी बहुत चीज़ें स्प्रिंकल करनी थी। यहाँ पे मैंने दो फ्लेवर के साथ जो है ग्लासेस को तो फिल कर दिया था, फिर इसके ऊपर मैंने दोबारा से जो है ना वो स्ट्रॉबेरी जेली के जो वो चंक्स डाले ताकि ऊपर से एक लुक भी आना चाहिए। और इसके साथ साथ जो है ना हमने इसके अंदर ड्राई फ्रूट्स भी ऐड करने हैं। तो यहाँ पर देखें, मैंने सबसे पहले दोबारा से जो है इसके ऊपर स्ट्रॉबेरी जेली जो है वो मैंने इसके ऊपर डाल दी है। उसके बाद जो है मैं इसके ऊपर ऐड करने वाली हूँ चॉकलेट सिरप। अगर आप लोगों को पसंद ना हो तो मत डालिएगा, पर हमें बहुत पसंद आया तो इसलिए मैं इसके ऊपर ऐड कर रही हूँ चॉकलेट सिरप। ये मैंने थोड़ा सा कलर भी लाने के लिए करा था ताकि डिफरेंट शेड्स आए और बहुत प्यारा लगता है इस तरह से। इसके बाद मैंने इसके ऊपर ड्राई फ्रूट्स स्प्रिंकल कर दिए थे। और यहाँ पर जो है ना इसके बाद मैंने और फ्लेवर को इन्हांस करने के लिए उसके ऊपर मैंने रूह अफ़ज़ा भी थोड़ा स्प्रिंकल कर दिया था, जिससे यह और मज़ेदार हो गया था। और इसके बाद ये रेडी हो चुका है फालूदा खाने के लिए। और यहाँ पर मैं ब्लॉग करूँगी एंड, आप लोग ज़रूर बताइएगा मुझे कैसा लगा आप लोगों को ब्लॉग और कैसा लगा ये फालूदे की रेसिपी। अल्लाह हाफिज़।